नमस्ते, मैं सपना राणा रावत आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम 15 मिनट योगा का अभ्यास करेंगे अपने पूरे शरीर के लिए। ये उन दिनों के लिए है जब आपके पास प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए ज़्यादा समय ना हो। किसी भी ध्यान आसन में बैठ के अपनी आंखें बंद करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और हथेलियां ज्ञान मुद्रा में लगाएं। आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर का ध्यान करें। आप अपने घुटनों को पकड़ते हुए सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपने सर को बाहिनी तरफ घुमाएं। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए फिर से दाहिनी, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए बाहिनी, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दाहिनी। इस तरीके से सर को बारी बारी करके साइड टू साइड घुमाना है। अब सर को सामने लाते हुए विश्राम करें। सांस भरते हुए सर को पीछे लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए सर को आगे, सांस भरते हुए सर पीछे, सांस छोड़ते हुए सर आगे झुकाएं। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही आपको सर पीछे लेके जाना है और सर आगे झुकाते हुए आपको कोशिश करनी है कि आपकी ठुड्डी कंठकूप में लग जाए। अब हमें अपने पूरे सर को चक्कर मारते हुए, रोटेट करते हुए घुमाना है। 5 चक्कर लगाएं, जितना कंफर्टेबल हो उतना ही आपको झुकाना है सर को। मैक्सिमम रोटेट करें, जितना आपकी शक्ति हो उतना आपको रोटेट करना है। 5 चक्कर लगाने के बाद उल्टी दिशा में सर को घुमाना है। पहले 5 चक्कर क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 5 चक्कर आपको उल्टी दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सांस की गति सामान्य रहेगी। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान, मैक्सिमम रोटेशन, जितना रोटेट कर सके, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। सामने सर को लाते हुए कंधा पकड़ते हुए आपको अब कंधा घुमाना है, रोटेट करना है, शोल्डर रोटेशन। कंधे को घुमाने की कोशिश करें जितना घूम सके। जब आप एल्बोस को ऊपर लेके जाएं तो कोशिश करें कि एल्बो आपस में मिल जाएं और विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घुमाएं, पूरा चक्कर लगाएं। अब दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाते हुए सर के ऊपर नमस्कार मुद्रा बनाएं, स्ट्रेच करें हाथों को ऊपर पूरे खिंचाव के साथ, रोक के रखें, सांस लेते रहें। अभी फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए अपनी दाहिनी भुजा को एल्बो से, कोहनी से मोड़ते हुए स्ट्रेच करें नीचे की तरफ। खिंचाव महसूस होगा आपको अपनी दाहिनी
कंधे की हड्डी पे। अब यही चीज़ करें बाहिनी तरफ भी। बाहिनी कोहनी को मोड़ते हुए हाथ को पीछे ले जाएं और खींचे नीचे की तरफ। आर्म्स को ऊपर खींचते हुए धीरे से रिलीज करें। वे घुटने के बल खड़े हो जाएं। हाथ को पीछे ले जाते हुए बटक्स कवर करते हुए पीछे की तरफ बेंड करें। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। अब सांस लेते हुए पीछे जाएं और होल्ड करें। सांस लेते रहें, वापस आएं। फिर से सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। अब सांस लेते हुए पीछे जाएं और रोकें। सांस लेते रहें, धीरे से वापस आएं और शशांक आसन में विश्राम करें। शशांक आसन में आपको अपने बटक्स हील्स के ऊपर लगाने हैं, एड़ी के ऊपर लगाना है, हाथ को आगे खींचना है, आगे खींच के रखना है और अपना फोरहेड जमीन पे लगाना है। अब धीरे से भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन की स्थिति में आए सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन, रोके। सांस लेते रहें, अब सांस छोड़ते हुए वापस शशांक आसन में फिर शुरू करें। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन और रोकें। आंख बंद करके सांस की गति सामान्य रखें, होल्ड करें। अब सांस छोड़ते हुए वापस जाएं, पर शशांक आसन से पहले आप शशांक आसन ही करेंगे, दूसरा वेरिएशन करेंगे। घुटना खोलें जितना आप खोल सके और फिर शशांक आसन में स्ट्रेच करें आगे की तरफ। तो इसमें बटक्स हील्स के ऊपर आपका चेस्ट और आपका चिन, ठुड्डी और आपका सीना ज़मीन से लगेगा। अगर ठुड्डी नहीं लग रही है, सीना नहीं लग रहा है, तो अपना फोरहेड लगाएं ज़मीन पर। रुके रहें, सांस लेते रहें। अब धीरे से वापस आए, अब खड़े हो जाएंगे। पैर को यथाशक्ति खोलते हुए हाथों को साइड की तरफ स्ट्रेच करते हुए सांस लें सामने और सांस छोड़ते हुए साइड में झुकें। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड में। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड की तरफ झुकें। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड में। सांस लेते हुए सामने,
सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते हुए सामने। अब दाहिने पैर को पूरे दाहिने तरफ घुमाएं और बाहिने पैर को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले। दाहिने और बाहिने पैर के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। अभी सांस छोड़ते हुए आपको राइट साइड में झुकते हुए रोक के रखना है, सांस को नहीं रोकना है, शरीर को रोक के रखना है, झुका के रखना है, सांस लेते रहना है। अब सांस लेते हुए ऊपर आए और इसी चीज़ को बाहिनी तरफ रिपीट करें। बाहिना पैर पूरा बाहिने साइड, बाहिनी तरफ झुकेंगे इस बार और दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे, रोक के रखेंगे, सांस लेते रहेंगे। धीरे से ऊपर आए सांस लेते हुए और छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अब अपने पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट का फासला बनाएं, अपने बाहिने हाथ को अपने दाहिने कंधे में रखें, दाहिना हाथ पीछे ले जाएं और दाहिने साइड ट्विस्ट करें, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करें, पकड़ के रखें, होल्ड करें, सांस लेते रहें। सांस भरते हुए सामने आए और यही चीज़ आपको बाहिनी साइड करनी है, बाहिनी तरफ ट्विस्ट करना है, अपने दाहिने हथेली को बाहिने कंधे में रख के बाहिना हाथ पीछे, पकड़ के रखे, होल्ड करें, सांस की गति सामान्य। सांस भरते हुए सामने आए और रिलीज करें। अब दोनों पैरों को साथ में मिलाते हुए आपको एड़ी उठाना है, ये आप करते रहेंगे, सांस की गति सामान्य रखें और जितना ऊपर हो सके आपको एड़ियों को ऊपर उठाना है। करते रहें। अब दोनों पैरों को साथ में मिलाते हुए घुटना बेंड करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, ऊपर की तरफ देखना है, उत्कट आसन। इसमें एड़ियां जमीन पे लगी रहेंगी, रोक के रखे, सांस लेते रहें। सांस भरते हुए रिलीज करें। अगला आसन भद्रासन, दोनों पैर को जोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को पकड़े, रीढ़ की हड्डी सीधा। अब सांस भरते हुए घुटना ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। करते रहें। अब पकड़ के रखें। अब एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, जितना झुक सकते उतना झुकें, आपका माथा ज़मीन पे लग जाए, अगर माथा ज़मीन पे लग रहा है तो ठुड्डी ज़मीन पे लगाएं, रोक के रखें, सांस लेते रहें। अब सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए
रिलीज करें। अब विश्राम की स्थिति में आ जाएं, शवासन में लेट जाएं। अभ्यास पूरा हुआ, शवासन कभी भी स्किप ना करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। नमस्ते।